Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Yuga Avatar, Kali Yuga mein Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gaurati Shri Namaha. Shri Chaitanya Mahaprabhu, Swayam Krishna hai, sabse dayalu avatar hai. Kali Yuga mein unka vishesh आने का ही तो है पतिता पावन हेतु तब अवतार पतित सबसे पतित लोगों को उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने विशेष ग्रंथ नहीं लिखा ऐसा लेकिन उन्होंने कुछ शिक्षा दिया जो विशेष शिक्षाष्टक के रूप में उपलब्ध है आज हमारे साथ और उसी में उन्होंने सारे सिद्धांत दिया जो समझना आवश्यकता है भक्ति करने के लिए कलयुग में विशेष कलयुग में ओके तो इस प्रकार पहले थोड़ा देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कब किया कहाँ किया श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम 18 वर्ष तक वर्ष थे जगन्नाथपुरी ओडिशा तो वहां पर उन्होंने अलग अलग लीला किया और विशेष अंतिम समय उन्हें अपने पार्षदों के साथ चर्चा किया कृष्ण के बारे में और उन्हें महाभाव प्रकट किया महाभाव मतलब जैसे हर एक भक्त अनर्थ निवृत्ति और अलग अलग अदा श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति और इस प्रकार क्या है निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम ये तरीका ये रास्ता है कि कैसे एक भक्त श्रीवत से कृष्ण प्रेम तक क्या क्या क्रम है पहुंचने के लिए तो ये जो महाभाव है ये केवल राधारानी और महाप्रभु ने प्रकट किया तो उसी महाभाव में जब थे चैतन्य महाप्रभु तब उन्होंने विशेष ये मार्गदर्शन दिया तो यहाँ वर्णन है ए माता महाप्रभु वैश्य नीलाचले रजनी दिवासे कृष्ण विराहे विग्वाले के श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कृष्ण ही है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायान्या परंतु इसी रूप में उन्होंने एक भक्त रूप में उन्होंने व्यवहार किया तो कृष्ण है परंतु बता रहे कृष्ण विराह है कृष्ण विराह भाव में थे कि कृष्ण कहाँ है कब कृष्ण को मैं प्राप्त करूंगा तो ये भाव है तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नीलाचल में वास किया तो उन्हें इस प्रकार इस विराह भाव में थे किसके साथ स्वरूप रामानंदा ए दुई जन सने रात्रि दिन रस गीता श्लोका आस्वादने श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय एवं के भाग थे तो वो बार बार आपस में चर्चा कर रहे थे कृष्ण के बारे में अलग अलग श्लोक अलग अलग शास्त्रों से कृष्ण के बारे में कुछ श्लोक का उच्चारण करते थे और वो भाव में थे बार बार हम लोग जब आपस आते क्या करते अब नियम है कि पहले कीर्तन बाद में कथा और बाद में प्रसाद और उसके बाद हम कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ वेदर है बिजनेस ये वो है बहुत सेवा के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा कर लेते लेकिन कि सीधा कृष्ण के बारे में इतना रुचि नहीं है हम ज्यादा चर्चा नहीं करते कृष्ण के बारे में परंतु महाप्रभु ने सिखाया अपने आचरण से कृष्णा
अब ऐसे बैठे कि दूसरे लोग भी बैठ पाएंगे। तो उन्होंने हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा किया, किस प्रकार नाना भाव उते प्रभुरा हर्ष शोकरोषा दैन्योद्वेगा आरती उत्कंठा संतोषा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य प्रभु अलग अलग अष्ट विकार प्रकट किया कि जब एक व्यक्ति एक बार व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं तो उनके अलग अलग विकार आते हैं, अलग अलग भाव। कभी कभी बहुत सुखी है, कभी शोक करते हैं कृष्ण कहाँ है, कभी कभी लगे हाँ कृष्ण कृष्ण को देखा, कभी लगे कब कृष्ण को देखेंगे, कभी कभी गुस्सा बोले गुस्सा भी प्रकट हो जाते हैं दिव्या अवस्था में, कभी कभी बहुत विनम्र, कभी कभी एंग्जायटी है परेशान है, कभी कभी दोबारा शोक कर रहे हैं, कभी बहुत उत्साहित है, कभी संतुष्ट। ये अलग अलग भाव है जब भगवान को भगवान के लिए भाव और प्रेम प्राप्त किया व्यक्ति, तो ये चैतन्य महाप्रभु सब इस प्रकार किया। तो आगे बता रहे से सही भाव है निज श्लोक पढ़ी अश्लोक अर्थ अस्वधाय दुई बंधु लाना। ये दोनों मित्रों के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय उन्होंने कभी कभी अपने अलग अलग श्लोक उच्चारण किए और उसका जो अर्थ है समझाया, तो इस प्रकार बहुत आनंद था। तो आगे वो आनंद है कोना दिवे कोना भावे श्लोक पथान से श्लोक अश्वरिते रात्रि जागरण। रात्रि जागरण रात को भी पूरा जागरण करते थे, बात करते थे, कोई दिन अलग भाव में थे शोक में तो इस प्रकार का श्लोक उच्चारण करते थे और उसका समझ उसके बारे में समझाते थे कृष्ण के बारे में, आपस में ऐसे चर्चा करते थे। तो पूरी रात रात्रि जागरण करते थे और कृष्ण के बारे में चर्चा, सोते थे नहीं, नो स्लीपिंग, क्योंकि इतना रुचि है कृष्ण के लिए, तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आगे हर्ष प्रभु कायन शुभ स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन कालम परम उपाय। तो ये चैतन्य महाप्रभु एक दिन उन्होंने कहा बहुत आनंद में उन्होंने कहा ये सुनिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय आप सुनिए समझिए कि हरि नाम संकीर्तन एक कलयुग के लिए परम उपाय। तो अभी ये समझना चाहिए कि महाप्रभु जो परम परम से भी वो प्रभाव क्या बोलते हैं प्रकट कर रहे हैं परम आनंद जो हम समझ भी नहीं पाते, तब बताते हैं कि परम उपाय कलयुग में है नाम संकीर्तन। और आगे उन्होंने कहा संकीर्तन यदि करो कृष्ण आराधन सहिता सुमेर पाया कृष्ण आचरण। उन्होंने कहा कि कलयुग में भगवान की आराधना करने के लिए ये हरि नाम संकीर्तन है और केवल जो बुद्धिमान लोग हैं उस प्रकार भगवान की पूजा करेंगे कीर्तन के माध्यम से, ये स्वयं भगवान ने कहा। तो महात्मा पूर्ण श्लोक के बाद में कुछ चैतन्य महाप्रभु भागवत से श्लोक कोट कर रहे हैं कृष्णानाम त्विषा कृष्णम संगोपम वस्त्र पर्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रवाह यजंती सुमेध सहा। कलयुग में अभी श्री चैतन्य महाप्रभु वही श्लोक बोलते जिस श्लोक में उन्हीं का वर्णन है भागवत में, भविष्यवाणी है बहुत बहुत पहले, केवल 5000 वर्ष पहले नहीं, वो जो चर्चा हुआ 11वां स्कंद जिसमें श्लोक आते हैं कृष्ण वर्णन करभजन ऋषि ने महाराज निमि को सुनाया और कौन से युग में था बोल नहीं सकते, ये तो बहुत पहले उन्होंने यज्ञ किया, हो सकते त्रेता था लेकिन कौन सा त्रेता युग। तो ये बात ये उन्होंने बताया कि कृष्ण वालम कृष्ण आते हैं और कृष्ण त्विषा कृष्ण वो अकृष्ण है क्योंकि गौरंगा है, संग पार्षदों और संगियों के साथ और अस्त्रों के साथ आते हैं भगवान और संकीर्तन यज्ञ खुद भी करते हैं।
और जो सुमेधस हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी पूजा करते हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताया और आगे उन्होंने बताया समझाया, नाम संकीर्तन हरिते सर्वनार्थनाश सर्वशुभदाय कृष्ण प्रेम रावलास। उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण नाम कीर्तन करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, सारे पाप करने का इच्छा जो है इससे भी मुक्त हो सकते हैं। और यही एक उपाय है, केवल एकमात्र उपाय है कि व्यक्ति परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकते और कृष्ण प्रेम प्राप्त, जो ही कृष्ण प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। तब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु इस आनंद परम आनंद महाभाव परिस्थिति में उन्होंने पहला श्लोक जो हम जानते हैं शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक उन्होंने उच्चारण किया। तो ये श्लोक हम एक साथ जिनको याद है पाठ कर सकते हैं, इसमें भी है, एक साथ बोलेंगे। चेतो दर्पण वाचरम भवमहादेवाग्निनिर्वापनम शेयातरीरव चंद्रिका वितरणम विद्वाजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्वपरम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। केवल पहला श्लोक बाद में, आज यहाँ तक अगर ये पूरा समझा पाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो आगे। तो इसका अनुवाद हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं जोर से मीन्स माइक। कौन पढ़ेंगे इसका अनुवाद? श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है और वृद्ध बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादयाग्नि को ब्रिझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदान चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है, यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। हरे कृष्णा। तो आगे ये चैतन्य महाप्रभु बताते कुल एक्सप्लेन करने ये श्लोक। संकीर्तन होते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। ये संकीर्तन करने से सारे भौतिक अवस्थाओं को नाश, ये केवल चेतन एक एक बार में डिस्कस करेंगे, लेकिन बोल रहे कि सारे पाप के परिस्थिति, पाप करने का इच्छा, पाप जो किया और जिसका अलग अलग फल आने वाला है, सब कुछ नाश हो जाते हैं संकीर्तन से। इस प्रकार दिल पवित्र हो जाता है और इस प्रकार अलग अलग प्रकार की भक्ति में जो सेवा है उसका उत्पन्न हो जाते हैं भक्ति के अंदर, व्यक्ति भक्त के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि श्री श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के ऊपर पूरा शिक्षाष्टकम को वास्तव में उसके ऊपर तात्पर्य दिया और समझाया एक एक शब्द। तो इसके बारे में हम देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि हम आत्मा है, ये गीता में हम बार बार चर्चा करते हैं हम आत्मा है, लेकिन अभी हम मोह माया से प्रभावित हैं और आत्मा बहुत तुच्छ है। अभी मोह माया से प्रभावित अलग अलग प्रकार के आवरण है, अलग अलग इच्छा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य मद, ये सब आत्मा को कवर
आवृत करते हैं। और नहीं तो आत्मा जो है, आत्मा किस जो पवित्र आत्मा है, वो आत्मा का ईगो मतलब अहंकार है, वो दो प्रकार के, एक अहंकार है जो शुद्ध अहंकार है, कौन सा जीव स्वरूप हो कृष्ण रा नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास है, वो सही है, वो अहम जो है वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई मोह नहीं है। अगर व्यक्ति ये पूरी तरफ से समझ सकते हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, वो सही अहंकार है। परंतु नित्य अहंकार मतलब उससे अलावा कुछ सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं दानी आदमी हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं बीमारी आदमी हूं, जो भी कुछ, मैं भारतीय हूं, मैं विदेशी हूं, जो भी कुछ सोचेंगे, तो ये सब मिथ्याहंकार। कई बार लोग सोचते हैं मिथ्याहंकार मतलब लोग व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बड़े है और बहुत प्राउड है, ऐसे सोचते कि मैं सबसे अच्छा हूं, तो उनके अंदर में हो सकते ज्यादा मिथ्याहंकार है। लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति जो विचार करते हैं कि मैं कृष्णदास से कुछ अलावा कुछ विचार करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के आसक्ति बनाए रखते हैं संसार में, ये सब मिथ्याहंकार, क्योंकि पूरा संसार ही क्षणिक है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति शुद्ध है, जब कोई कुछ नहीं है, कोई आवरण तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम संसार में फंस गए तो ये सब मिथ्याहंकार और सब कुछ कवर हो गया। तो इस मिथ्याहंकार से बाहर जाना संभव नहीं है, ऐसा आपने आप कोई उपाय नहीं है। दैवी ये शगुनामयी मामा माया दुरात्या, माया को पार करना दुरात्या वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, संभव नहीं है। तो तब क्या करना, हरे कृष्णा यही उपाय है। हरे कृष्णा ये महामंत्र भगवान के नाम, ये चेतनों को जो उदाहरण दिया गया कि ये चेतो दर्पा दर्पा, चेतना जो आत्मा है, वास्तव में आत्मा का लक्षण है चेतना, तो चेतना के अंदर में ये सब आवरण है, आत्मा है छोटे, और इसके उसका लक्षण है, प्रभाव है चेतना, जैसे कि सूर्य है एक जगह में और उसका जो लक्षण है और जिससे बाहर क्या आता है गर्मी और प्रकाश, प्रकाश सब जगह में, रोशनी सब जगह तक पहुंच जाते, लेकिन सूर्य वहाँ एक जगह में है। इस प्रकार आत्मा एक जगह में है और चेतना पूरा शरीर तक आता है सब जगह तक, तो वो चेतना के अंदर में अलग अलग इच्छा है, आत्मा को कवर कर लिया पूरा। तो ये हरे कृष्णा मंत्र जो पवित्र सबसे पवित्र चीज है, वो चेतनों को साफ कर रहा है, क्लियर शुद्धिकरण हो रहा है, तो तब व्यक्ति अनुभूति कर सकते कि हम भगवान के नित्य दास है और कि कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। तो दोबारा हम देखेंगे कि अगर आईना दर्पण, आईना गंदा है, जो जिसका आईना का जो उद्देश्य है वो काम हो सकते हैं। आईना का क्या काम है, देखना है अपना चेहरा को, देखना है कि हम सुंदर है कि नहीं, ये इसके लिए है। तो अगर गंदा है दिखा नहीं देगा कुछ, तब साफ करना पड़ेगा। तो वाना है कि ये जो गंदा है, बहुत जन्म से हम अलग अलग जो कचरा है उसके ऊपर रखा, अभी अगर आईना थोड़ा गंदा है तो थोड़ा ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हो सकते हैं हमारा ऐसा है कि हम बहुत जन्म से ऊपर डाल दिया, तो ऐसे एक आईना है और उसके ऊपर हिमालय पर्वत जैसे अनर्थ है, काम क्रोध लोग अलग अलग इच्छा है, अलग अलग लेयर्स है, ज्यादा हो गया, तो समय लगता है कई बार साफ करने में, निकालना पड़ेगा।
हरि नाम पावरफुल है, लेकिन हम किस प्रकार हरि नाम जप करते हैं, आगे भी आएगा एक दो दिन के बाद ये डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तीन प्रकार के चीज जो आवरण है, अलग अलग छह जो अलग प्रकार के अनाथ है हमने बताया, फिर भी यहाँ पर और वो अलग क्रम बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि एक चीज है मोती की इच्छा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये एक आवरण है। दूसरा है एंजॉयिंग स्पिरिट, भोग करने का जो इच्छा भाव है कि मैं भोगता हूँ, ये जो भावना है ना, इच्छा तो प्रतीक को एक इच्छा मतलब मुझे चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, अलग ये अलग प्रकार की इच्छा, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे ये विशेष ये चाहिए, तो ये इच्छा है। लेकिन एंजॉयिंग स्पिरिट मतलब कि जो भी हम देख रहे हैं, हम हमेशा विचार ये विचार है कि मैं भोग करूँगा, सेवा भाव नहीं है, भोग मतलब भोग और सेवा भाव निस्वार्थ भाव से जो है, ये भोग मतलब स्वार्थ और निस्वार्थ पूरा उल्टा ही है, विपरीत अलग है। तो ये भोग करने का इच्छा कि मैं भोगता हूँ, कोई दूसरा नहीं, मुझे जो जो भी है मुझे चाहिए और जो मिल रहा हूँ तो मैं जितना हो सकते मैं उसको एंजॉय करूँगा। तो ये जो भावना है ये आत्मा को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक स्थिति है भगवान की निस्वार्थ भाव सेवा करना, ये पवित्र आत्मा। लेकिन अशुद्ध मतलब कि नहीं, मैं ही करूँगा एंजॉय जितना हो सकता है। और तीसरा है अनगर्ली एथिस्टिक एक्टिविटीज, मतलब नास्तिक ये असुरों का कार्य पाप, जो हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक बात में करते पाप अलग अलग प्रकार के पाप, तो वो आत्मा को पूरा कवर कर लेते। तो ये सारी चीजों से, और ये है अगर हम थोड़ा विचार करेंगे कि हमारे जीवन में हम कैसे हैं, कैसे है सब, बहुत है इच्छा बहुत है भोग करने का, और पाप भी नहीं करना चाहते फिर भी हो जाता है, तो ऐसे माहौल है आजकल। तो वर्णन है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जाप करने से ये चेतना ये सारी चीजों से शुद्ध हो जाते, मुक्त हो जाते, ये इसका अर्थ है चेतोदार मार्जन। अगर व्यक्ति पूरा आश्रित हो जाते भगवान की के नाम के माध्यम से, नाम में आश्रय ले रहे बारंबार कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जप कर रहे, तो ये सब साफ हो रहा है और धीरे धीरे जो वास्तविक रिफ्लेक्शन है प्रतिबिंब में, जैसे इसमें हम चाह मतलब क्या है आईने में हम प्रतिबिंब देख रहे हैं चेहरों को, लेकिन अभी गंदा है तो सफाई करना है, तो यही सफाई हरे कृष्ण लगातार जप करते कीर्तन करते रहते हैं तो धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा कि हम कौन है। हम बार बार बात करते हैं ना कि देखो हम कौन है, हम आत्मा है शरीर से अलग है, तो लोग तो लगभग थोड़ा समझ पाते थ्योरेटिकली सिद्धांतिक रूप से, लेकिन वास्तव में नहीं समझ पाते, देख दिखा नहीं दे रहे कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी हम शरीर में असक्त है। तो लेकिन हरे कृष्ण जप करने से अंदर में चेतना साफ हो रहा है, तो धीरे धीरे अनुभूति आ रही है कि मैं तो आत्मा ही दिखाई दे रहे हैं, हाँ ऐसा है आत्मा मतलब इस प्रकार पूरा रियलाइजेशन आता है। ये उदाहरण हम देते गुलाब जामुन, अगर व्यक्ति नहीं जानते क्या है तो आप मुझे समझाएंगे कि अच्छा है मीठा है, तो मैं बोला हाँ ठीक है मीठा है सही है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं खाया तब तक नहीं समझ पाऊंगा, नहीं एक बार खाएंगे हाँ ठीक है अच्छा है और सही। तो ये उदाहरण है कि हम बात करते आत्मा के बारे में हम समझ पाते भी थोड़ा,
लेकिन अब तक अनुभूति नहीं हुआ पूरा, तो कि अनुभूति आएगा खाना पड़ेगा गुलाब जामुन। तो इस ये गुलाब जामुन समझने का तरीका है, कुछ खाना है, और कि हम समझ पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ तो भगवान का नाम जाप करना है। लेकिन ये केवल एक अनुभूति है, ये केवल एक परफेक्शन है, वर्णन है कि क्या है, सेवन परफेक्शन ऑफ चैंटिंग, सात सिद्धि है हरे कृष्ण जाप करने का। एक है चेतोदार्पण मार्जन, कि चेतना शुद्ध हो जाती, शुद्ध हो जाते, ये चेतोदार्पण मार्जन, ये एक सिद्धि है जाप करने में। जब हम जाप करने कर रहे हैं, यहाँ बोले कि सेवन परफेक्शन है, सात, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले और ये आता है कि जप, कीर्तन और संकीर्तन, ये तीन चीजों को समझना है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जप मतलब मन, अगर व्यक्ति मन में जप कर रहे हैं तब सबसे बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ मिल सकते हैं मन में जप करना। अगर व्यक्ति मुंह से बोलने, इसको बोलते कीर्तन, और बोले कि ये मुंह से जोर से बोलना, ये क्या है, इससे और ज्यादा लाभ मिलता है। अगर मन में करते हैं बहुत बड़ा लाभ, लेकिन अगर मुंह से जोर से बोलते हैं और ज्यादा लाभ है। परंतु संकीर्तन, जब बहुत सारे लोग हैं, ये संपूर्ण कीर्तन है, और ये सबसे बड़ा लाभ है। अकेले करेंगे बहुत बड़ा लाभ, मन में केवल जोर से करेंगे कीर्तन, उससे ज्यादा सर्वम कीर्तन, सब लोग मिलके बहु मिलता इति संकीर्तन, सबसे बड़ा लाभ। तो ज्यादा आगे जो संपूर्ण कीर्तन, जो संकीर्तन नहीं है केवल कीर्तन, वो हमको वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकते, संकीर्तन दे सकते, ये बताते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अगर हम संपूर्ण कीर्तन नहीं करते तो हम पूरा परिवर्तन नहीं होगा अंदर में, समय लगेगा, और ये जो कीर्तन का हाँ शक्ति है वो प्रकाश नहीं होगा, और हो सकते धीरे धीरे संशय आएगा कि हरे कृष्णा मंत्र जो है वो वास्तव में शक्तिशाली है, वास्तव में भगवान से अलग नहीं है, ये सब ये दावत आ सकते हैं जप करते करते, क्योंकि हम सुनते हैं कि नाम कितना पावरफुल है। अगर हम संपूर्ण कीर्तन नहीं करते, संकीर्तन, तब पूरा सिद्धि संभव नहीं होगा। तो जप करना जरूरी है, लेकिन संकीर्तन करना भी जरूरी है, सब कुछ करना है, तब सिद्धि हो सकते हैं। सेवन परफेक्शन, चेतोदार्पण मार्जनम, तो इस प्रकार ये सब। दूसरा है भवा महा दवाग्नि निर्मापन। अच्छा, उससे पहले उससे और भी है चेतोदार्पण मार्जनम के बारे में, और भी कोर्स है। भाई भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी बताते नमस्तक, एक अष्टक है जिसका नाम है नमस्तक, इसमें नाम का गुणगान है। तो वहाँ बताते कि सुदी सुदिताशिता जनार्तिराशये रम्यचित गाना सुख स्वरूप स्वरूपिने नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। हे भगवान का नाम, हे कृष्णा, आप अपने भक्तों को जो आपको समर्पित, आप समर्पित भक्त है, आपके समर्पित भक्त, ऐसे भक्तों के सारे दुख आप निकाल देते हैं, और ये सारे दुख कई बार आते हैं अपराध करने से, नाम अपराध से जो दुख आता है वो भगवान निकाल देते। अगर भक्त इसका नाम जप करते हैं आगे आगे, नाम अपराध से बचाने के लिए ही नाम जप है और कीर्तन। तो
बोले कि आप नाम वो नाम को प्रार्थना करें भगवान के नाम, तो बोले कि आप आपका आध्यात्मिक स्वरूप है और बहुत सुंदर है, पूरा आनंद का स्वरूप है नाम, भगवान का नाम। इस प्रकार आप नाम जो है और वैकुंठा दोनों दिव्य है, ये बताते हैं, कंपेयर कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत और भगवान का नाम, दोनों एक प्रकार के दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इस प्रकार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो हरि नाम में जो अपराध है जिसके बारे में आगे डिस्कशन होगा शायद कल, तो वहाँ नाम अपराध जो है आता है, क्योंकि तो आप बोले कि केवल नाम नाम से ही अपराधों से मुक्ति हो सकते हैं, जो भी कुछ पाप से मुक्ति अपराध से मुक्ति केवल नाम जाप करना है, ये उपाय है, सारी चीज का उपाय है हरि नाम। इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज, एक अभी आगे वर्णन होगा चेतोदार्पण मार्जन भवा महादवाग्नि निर्वापन, इसका अर्थ है भवा महादवाग्नि। यस, तो ये वर्णन है कि भाव महादवाग्नि, भाव मतलब भाव सागर, जन्म मृत्यु चक्र, जन्म लेना, जन्म बाद में बुढ़ापा आएगी, बीमारी और मृत्यु, ये चक्र आता है, सब उसमें फंस जाते हैं। महादवाग्नि, इस भाव भाव जन्म मृत्यु चक्र में बहुत दुख आते हैं, इसको बोलते हैं महादवाग्नि। आग जब आप लोग जब कुकिंग करते हैं या कुछ भी ऐसे आग अगर स्पर्श करते हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा है, अगर ठंडे है तो ऐसे थोड़ा दूर थोड़ा पास आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर सीधा पकड़ दिया तब दुख परेशान हो गया। तो वो बोले कि पूरा संसार ऐसा है महादवाग्नि, एक है दवा दवा अग्नि, संसार दवा नाली होगा, ये फॉरेस्ट फायर है, ये जो वन में जंगल में जो फायर है वो इस प्रकार है, पूरा संसार ऐसे जल रहा है, तो बार बार दुख बार बार दुख ने? अभी घर में सबको पसीना आ रहा है, सबको पता नहीं मुझे पंखा चल रहा, फिर तो दुख है, कुछ समय के बाद ठंडी हो जाएगा दोबारा दुख, बारिश ज्यादा होगा तो दुख, बारिश नहीं होगा दोबारा प्रॉब्लम, और क्या होगा, बीमार आएगा बीच में, कोई खटेगा मच्छर, और ऐसे बार बार दुख के तीन क्लेश आते रहते, टेंशन टेंशन, ये तो कुछ भी ये टेंशन तो साथ साथ तो चलता है, जो भी कभी गर्मी है कभी ठंडी, लेकिन टेंशन तो लगता है, बदलते नहीं जाना, एक टेंशन समाप्त दूसरा शुरू हो जाता है। इस प्रकार बाबा महादवाग्नि ये जल रहा है चल रहा है, और उसको बंद करना कैसे, महाअग्नि जो जो जंगल में शुरू हो जाएगा आग, तो कैसे बंद करेंगे, पानी एक बाल्टी दो बाल्टी तीन कितना बाल्टी कितना नहीं काम, बाल्टी से नहीं होगा, बाल्टी से काम नहीं होगा, फायर ब्रिगेड अगर वास्तव में लग गए हो फायर ब्रिगेड भी काम नहीं कर पाएगा, केवल जब बारिश आएगा, जैसे आसाम में आते हैं तूफान और 7 दिन लगातार गिरेगा तो तब, तो ये है बाबा महादवाग्नि निर्वापनम, निर्वापनम मतलब बंद, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे महादवाग्नि निर्वापा नाम, नाम बोलना है, यहाँ आएगा चेतोदार्पण मार्जन नाम,
भगवान चैतन्य महाप्रभु कितना सुंदर उन्होंने उन्हें हर एक सिद्धि का अंतिम उपाय वहां ही ऐसा बताया है, नाम मार्जनम होगा, पवित्र होगा नाम जाप करने से। ये जो महान अग्नि वर्ण होगा नाम से, नाम आएगा विद्यवाद जी का नाम, महा श्री कैरव चंद्र का वितर नाम, नाम नाम आते नाम, भगवान का नाम ये बार बार आएगा। तो दोबारा हरे कृष्ण के माध्यम से ये सारे दुख समाप्त हो जाता है और सबको यह अनुभूति आ रहे हैं इसके बारे में। हम कीर्तन करें तब कोई चिंता नहीं है, तब भूल जाते कि गर्मी है कि ठंडी है क्या है कुछ पता नहीं है कि नहीं। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो अभी देखेंगे क्लेंसेस। यस मटेरियल एग्जिस्टेंस, यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि ये उन्होंने उदाहरण दिया कि इस प्रकार ये अलग अलग कॉमेंट्री है, इसलिए हम थोड़ा आगे पीछे जाते हैं। एक है भक्ति विनोद ठाकुर, एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों यही एक ही चीज बताते हैं परंतु थोड़ा अलग अलग उदाहरण देते हैं कि ये जो जो जंगल में आग है कई बार अंदर में चल रहे हैं धीरे धीरे, दिखाई नहीं दे रहे कई बार भी ऐसा भी है, और वो बाद में अगर प्रकट हो जाता है सब कुछ जलाएगा सब कुछ। तो इस प्रकार ये उदाहरण है कि थोड़ा आग से पूरा बन, तो कई बार हम थोड़ा पाप भी करेंगे, थोड़ा ये पाप प्रकट नहीं हुआ इच्छा है अंदर लेकिन कर किया नहीं, हाँ ये जो बीज रूप में है पाप वो सब नाश हो जाता है, केवल बाहर से नहीं अंदर, बाहर से मतलब जो अभी दिखाई दे रहे दुख केवल भूख बांध नहीं हुए, वो जो आने वाला दुख है वो भी खत्म सब कुछ। तो यहाँ बोलते कि जो बात नहीं है जिसका विश्वास नहीं है कृष्ण में, तो वो लोग हमेशा ये महादवग्नि ये दुख जा रहे हैं उसको सहन करना पड़ेगा, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। जिसका विश्वास नहीं है कृष्ण नाम में कृष्ण में, तो उनको दुख ही दुख ही होगा, कोई दूसरा उपाय तो है नहीं उनके लिए, तो ये बताते हैं। लेकिन जो भक्त है जब परफेक्टली जब संपूर्ण नाम जप करते हैं शुद्ध नाम एक्चुअली, तो तब स्कॉर्चिंग फ्लेम ये जो गर्म आदमी है उससे सुरक्षित है। जब भी वो आग्नि के बीच में है, आग के बीच में आग जल रहे से लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज और कौन हनुमान, दोनों ने प्रहलाद महाराज को जलाने के लिए रखा, कौन उनकी आंटी बुआ क्या नाम थी, हाँ तो उनको दिया कि उनको उनका आशीर्वाद था कि वो कभी जल नहीं सकते नहीं। तो प्रहलाद को पकड़ लिया और आग के अंदर गए, तो प्रहलाद को जलाना उनको जलाने के लिए कि वो जल गए नहीं उनकी बुआ। ये एक्चुअली भागवत में नहीं आता है, कोई दूसरा पुराण में होगा, केवल बोले कि जलाने के लिए प्रयास हुआ। तो जो भी है प्रहलाद बच गए आग ने से, हनुमान ने रावण ने आदेश दिया उसका पूर्ण जलाना है, जब वो लंका गया वहां परेशान किया तो सीता ने आशीर्वाद दिया, आग ने देव से प्रार्थना किया कि जो हनुमान है उनको ये आग उनको नहीं जलाएंगे, उनको तजा ऐसे हवा जैसे उनको लगना चाहिए, जब आग जल जाएगा उनको ठंडी फीलिंग होना चाहिए, तो ऐसे हुआ। तो वास्तव में ये अंतरंग शक्ति है सीता, इस प्रकार हरे कृष्ण नाम जप करते हैं
वहाँ अंतरंग शक्ति उपस्थित है। अगर हम अच्छे से जप कर रहे हैं तो कोई भी दुख आग और सब कुछ 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 नहीं चलाएगा, कुछ दुखी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए शुद्ध नाम जप करना परफेक्टली चाहिए, मतलब अच्छे से जप करना ऐसा जैसा नहीं। तो ये पावर है हरि नाम का, ये सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो अभी अब हम लोग जो प्रयास करते हैं जप करने के लिए, तो हमारा दुख कैसे है, पूरा बंद हो जाता है कि कभी कभी थोड़ा लग रहा है कि दुख नहीं है, और कई बार लग रहा है कि दुख है अभी, नाम भी जप करते और कीर्तन करते और दुख भी है, ऐसा लग रहा है कई बार, मतलब कि इसका अर्थ है कि अभी तक हम सही से जप नहीं कर रहे। कई बार हम पूछते किसे आप अभी कितना माना, 16 माना, और ऐसे पूछे कैसे चल रहा है, अब बहुत अच्छा 16 माना, माना कैसे बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है, तो मतलब ये सारे दुख अभी नहीं आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं ये भी है प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब हम तो करते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं कि अभी हम सिद्ध सिद्ध स्तर पर करते, शुद्ध नाम अभी तक नहीं करते, बोलते रहते 16 माल तक कर लेते हैं, उससे ज्यादा भी कभी, लेकिन अभी शुद्ध नाम हम नहीं करते हैं। इसलिए कई बार हम टेंशन में भी रहते हैं और ऐसा, लेकिन विश्वास होना चाहिए और ये प्रयास कि हम शुद्ध नाम जप करेंगे, प्रयास करना है। अनुभव इसके बारे में बात होगा अलग से, जो ये दूसरे श्लोक में आएगा, बाद में आएगा श्रेया कैलव चंद्रिका, इसका अर्थ है यहां बताते हैं श्रेया मतलब आशीर्वाद, श्रेया कैलव मतलब ये जो कमल का फूल है, यहां बोल रहे व्हाइट लिलीज, आई थिंक कमल का फूल इंग्लिश में आएंगे तो, और चंद्रिका मतलब चंद्रमा, चंद्र का चंद्रमा के जो किरण है इसका अर्थ है। तो इस प्रकार ये आशीर्वाद हरि नाम से आशीर्वाद आ रहे हैं। लोग मुझे बोलते कई बार आप आशीर्वाद दीजिए, हम बोलते हरे कृष्ण जाप कीजिए, श्री कैरव चंद्रिका वितरण आपको आशीर्वाद मिलेगा, यही इसका अर्थ है कि जैसे चंद्रमा के चंद्र के जो किरण है वो ठंडे है, तजा है, क्या बोलते शीतल है, सूर्य सूरज दिन में बहुत धूप है, बहुत परेशान हो जाते हैं धूप में, लेकिन वो उसी रात को बाद में जब सूर्य जब चंद्रमा आता है तो अच्छा लगता है ऐसे ठंडा। तो इस प्रकार महाभगवानी ये एक ही चीज है, बहुत दुख लेकिन हरि नाम तजा, सब कुछ कूल कूलिंग, सब कुछ जो गर्मी है और दुख है उसको बंद कर देते हैं। तो जैसे चंद्रमा अपने अपने जो रोशनी है सब जगह में वितरण करते हैं, तो इस प्रकार ये जो परम परम आशीर्वाद है वो सब जगह तक पहुंच जाते हैं। ये उदाहरण दिया कैरव मतलब कमल का फूल, क्योंकि सबसे सुंदर फूल है, उदाहरण है सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार ये जो हरि नाम उसका आशीर्वाद सबसे अच्छा है, सबके लिए, सबके लिए, पूरा समाज के लिए। इसीलिए कीर्तन करना सबसे बड़ा सेवा है, सबके लिए, पूरा समाज के लिए, जो भी व्यक्ति सुनेगा उनको आशीर्वाद मिलता है। सोचिए कीर्तन हम कर रहे सब लोग, वृक्ष, दूसरे लोग जो कृष्ण को मानते ही नहीं वो भी सुनेंगे, उनको भी आशीर्वाद मिल रहा है, जानवर क्या बोलते हैं कुत्ते बिल्ली सब मछली सब सबको आशीर्वाद मिल रहा है। अब सोचिए जो हरि नाम करते हैं जो खुद करते हैं उनको कितना आशीर्वाद मिलता है। तो ये पॉइंट है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। तो इस प्रकार आशीर्वाद के लिए क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।